नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ज्योति सिंह और आप देख रहे हैं हकीकत आप तक। उत्तर प्रदेश में 2022 में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों ने अपनी सियासी जमीन तलाशनी शुरू कर दी है और इस कड़ी में AIMI चीफ असदुद्दीन ओवैसी आज अयोध्या से अपने 3 दिवसीय यूपी दौरे की शुरुआत करने वाले हैं। इसके बाद 8 सितंबर को असदुद्दीन ओवैसी का सुल्तानपुर में कार्यक्रम है। फिर दौरे के आखिरी दिन यानी 9 सितंबर को ओवैसी बाराबंकी जाएंगे। बता दें कि ओवैसी के दौरे के पहले दिन ही उनका विरोध शुरू हो गया है। वजह, अयोध्या को फैजाबाद बताना है, जिसका पोस्टर कई दिन पहले आया था। संत समाज और पूर्व मुस्लिम पक्षकार ने ओवैसी के दौरे पर रोक लगाने की मांग की है। विवाद बढ़ा तो पोस्टर हटाने की बात भी कही गई, लेकिन अभी AIMI के ट्विटर हैंडल पर वही पोस्टर ट्वीट किया गया है जिसमें अयोध्या को फैजाबाद लिखा गया है। वहीं ओवैसी ने राम मंदिर को लेकर कई बार सवाल भी उठाए और उनका सवाल भी बिल्कुल तीखा था। उनका सवाल 2019 में नवंबर में ये था कि मुझे मेरी मस्जिद वापस चाहिए, और 2019 में ही उनका दूसरा सवाल था सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च है लेकिन अचूक नहीं। वहीं उन्होंने तीसरा सवाल ये भी उठाया था कि अगर बाबरी मस्जिद नहीं गिराई जाती तो क्या सुप्रीम कोर्ट का फैसला यही होता। उन्होंने फिर अगस्त 2020 में बाबरी मस्जिद को लेकर के एक सवाल और बोला। राम मंदिर के भूमि पूजन में PM का शामिल होना सैद्धांतिक शपथ का उल्लंघन है। ऐसे ही अन्य खबरों के लिए बने रहिए हकीकत आप तक के साथ।